राज्य सरकारों आलु मिशन फेल क्रमगत भाव ह्रास पाउची आलु चाष आंतरिकता अभाव चाषर मुह फेर चाषी शीतल भंडार अभाव भांगी सारा चाषी मेरुदंड ये हूँ भद्रक जिलार दृश्य आलु चाष प्रति कमुची चाषी आंतरिकता गत वर्ष जिले में 88 हेक्टर जमीन में बिहन विभिन्न चाषी को दिया चाष कर किंतु गत वर्ष तुलन में चलित बर्ष कमी 60 हेक्टर में पहुंची कारण उत्पादित आलु को संरक्षित रखापी से ही परिमाण में शीतल भंडार नथिबारु किंबा बजार सुविधा नथिबारु आलु चाष प्रति विमुख होउछन्ती चाषी जेउथिरु वार्षिक 10,000 मेट्रिक टन आलु उत्पादन करने को लक्ष्य रखाई वार्षिक 3,50,000 मेट्रिक टन आलु आवश्यकता थी बेले पड़ोसी पश्चिम बंग उपर निर्भर करने को पड़ी हाँ चाष हेल्ले से क्लस्टर रही समस्ते रखिपर ना तो ये तो आम रखिपर आलु खोल मैंने 8 दिन भितर बिक्री करूँ ना पचीज से गुड़ा ये असुविधा यहाँ मुख्य असुविधा आलु पड़ा भी से बर्तमान शस्ता अच्छी कोबी फोबी शस्ता हो बर्ष आम कि ना जहाँ काटबू बिक्री करूँ यार संरक्षित व्यवस्था ना व्यवस्था जदि करता चाषी जदि कोल्ड स्टोर नहीं रखिपारे आलु तेबे जाई चाषी मैंने आलु चाष पर आग्रह सृष्टि करते एवं से माने लाभ भी पाते केवल भद्रक नुहे पूरा राज्य रे आलु चाषर अवस्था एमती सरकारी तथ्य अनुजाई 2016-17 मसीह 25,185 हेक्टर जमीर 3,02,000 मेट्रिक टन आलु उत्पादन होता मात्र यापर 2017-18 25,090 हेक्टर चाष जमीर 2,98,000 मेट्रिक टन 2018-19 24,687 हेक्टर जमीर 2,90,000 मेट्रिक टन एमती प्रतिवर्ष राज्य में कमी चली आलु उत्पादन 2015 आरंभ हो सरकार आलु मिशन केवल धुआंबाण पलटि आलु रेट मार्केट 10 टाँग था 40 टकर बिहन आम किणु सी गोटे समस्या तापर गोटे लुणी एरिया सालन बेल तेणुक उन्नत मान चाष हेल्ले उन्नत मान जो बिहन हाँ आम टे लाभवान भी हो पारे आलु साधारण ये एरिया झाँला टे आर वर्ष भल होता ए बर्ष झाउना टे लगी आर वर्ष भल होता ए बर्ष लगाई अधिका लगाई परिमाण अधिका कराई दुहजार 2014 मसीह शासक दल अर्थात बीजेडी निर्वाचन इस्ताहार जारी करी कही सरकार को आसिले प्रति ब्लॉक रे रिहाती प्रदान सह पीपीपी भित्तिरे परिचालित शीतल भंडार निमन्ते उद्यम करिबु हेले गला 8 वर्ष भितर नुआ शीतल भंडार निर्माण बदल में बंद होगा जो अनेक चाषी आलु पियाज चाषर मुह फेर फल आमको आंध्र पश्चिमबंग एवं महाराष्ट्र भली राज्य उपर निर्भर करने को पड़ी भद्रक बासुदेवपुर प्रशांत दास चांदवाली भागीरथी सेठी भंडारी पोखरी सत्यजित नायकों दीप्तिरंजन साहू रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।